कल G20 का महासमिट यहां पर होने वाला है श्वेता, लेकिन उससे पहले ये द्विपक्षीय बातचीत और उसका सिग्निफिकेंस कि कैसे बहुत गहरे और बहुत करीबी संबंध दो जबरदस्त ऐसे लोकतंत्र जो अपनी ताकत अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से विश्व में जाने जाते हैं। वाकई अंजना, और जिस तरीके से अमेरिका से हम उन डिफेंस डील्स की बात करते हैं, मैं चित्रा को भी सुन रही थी, हालांकि देखिए भारत को एक बाजार समझकर उसे अपने उपकरण देना कौन सा देश नहीं चाहेगा। वो दुनिया भर के देश चाहते हैं कि भारत जैसी जैसा देश जिसकी इतनी बड़ी सेना हो उसको वो सैन्य उपकरण बेचे, उनके लिए फायदे का सौदा है। लेकिन अमेरिका और भारत के रिश्तों में क्या अलग हो जाता है, जो सबसे अहम चीज है वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका जो अभी तक किसी भी देश पर दुनिया में विश्वास नहीं कर पाया था, उन उन चीजों पर भारत पर वो विश्वास करता है, वो भारत को वो तकनीक देने को तैयार होता है, वो तकनीक साझा करता है, वो तकनीक शेयर करता है, वो तकनीक देता है जिसका जिसके जरिए भारत में वो उपकरण बन सकते हैं। तो इससे बेहतर और कोई सूचक नहीं हो सकता। और जिस तरह से जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो खास मेहमान हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत ने जैसे 12 चीजों पर जो ड्यूटी है वो घटाई है, और एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भारत की तरफ से रहा है कि आइए आपका स्वागत है, देखिए हम आपके स्वागत के लिए, इस दोस्ती के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। तो अमेरिका के लिए भी अब पलटकर कुछ कहने की जरूरत है। चीन अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। भारत तो टैकल कर रहा है, हम उसे बॉर्डर पर भी टैकल कर रहे हैं, और हम अपने हिसाब से, चाहे वो चीनी एप्स हो या फिर कारोबार के हिसाब से, हम अपने देश में PLIs देकर किस तरीके से मोबाइल का उत्पादन हो वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चीन जिन जिन चीजों में पैठ अपनी बनाकर रखे हुए है, उन चीजों में भारत अपना दबदबा दुनिया में बनाने के लिए यहां पर तैयार है। लेकिन अमेरिका इसीलिए इस समय जब देखता है कि भारत से बेहतर साझेदार यहां पर हो नहीं सकता, वही चीज इस दोस्ती में नजर आती है, वही चीज इस आतुरता में नजर आती है कि पूरा का पूरा प्रतिनिधिमंडल अभी उस तरीके का नजर आता है कि पता नहीं अब इस दोस्ती में आगे और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। वरना तो डोनाल्ड ट्रंप भी थे, वो भी चुनावी रैली के लिए, एक तरह से उसे रैली ही कहा गया था, जिसके लिए वो अहमदाबाद में स्टेडियम में पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने तमाम तरह से लुभाने की कोशिश की थी, अपनी इलेक्टोरेट को एड्रेस करने की कोशिश की थी। मोदी जाते हैं अमेरिका तो वहां पर किस तरह से ट्रंप उनके साथ पहुंचकर मंच शेयर करते हैं। तो जो बाइडेन इन सारी चीजों को समझते हुए ये भी देख रहे हैं कि भारत विश्व की वो शक्ति है जिसके साथ साझेदारी अभी इस समय न केवल फायदे का सौदा है बल्कि अकलमंदी का सौदा भी है। अंजना, और फाइटर जेट इंजन की हम मिशन साहब बात कर रहे थे कि कैसे वो तकनीक लेकर और भारत उसका निर्माण करेगा साझा तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। तो ये जो विश्वास का एक रिश्ता बन रहा है अमेरिका के साथ व्यापार के क्षेत्र में, ये हम आपको 5 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। दिलचस्प है, ऋषि सुनाक की तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी पत्नी अक्षता के साथ, वहीं पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आने की तस्वीरें, जापान के प्रधानमंत्री आ चुके हैं, इटली की प्रधानमंत्री आ चुके हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आ चुके हैं, और ऋषि सुनाक की तस्वीरें हैं जो उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया है और वहां पर उनके साथ तस्वीरें लेते हुए, टीचर्स के साथ भी मेरे ख्याल तस्वीरें उनकी आई हैं। ये देखिए वहां पर वो सबसे मिलते हुए, वो और उनकी पत्नी स्टाफ ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया में, ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया में वो गए हैं, और मुझे लगता है वहां पर स्टाफ और बच्चों से वो मिलते हुए वो और उनकी पत्नी नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों की हम बात कर रहे थे, वहां पर जो तकनीक का ट्रांसफर है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए कि हम उससे फायदा हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये अमूमन तौर पे किसी भी देश को नहीं दिया जाता है, ये ट्रस्ट का फैक्टर है, और जो उनको भारत पे भरोसा है, जो एक हमारी और खासकर हमारी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, देखिए कोई कुछ देता है तो वो सोच समझ के देता है। तो एक पहली बात, हमारी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, चाइना इश्यू है ही उनके लिए भी और हमारे लिए भी, तो उन्होंने सोचा है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए कि इंडिया को हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी GE414 इंजन का करना चाहिए, और जॉइंट कोलैबोरेशन से HAL के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, और उसके साथ वो भी नहीं MRO भी, जो मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन पूरा सेटअप होगा। तो ये ट्रस्ट फैक्टर है और कन्वर्जेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है जो ये चीजें दिखाता है। और मेरे को लगता है इसी प्रकार उनको ये भी पता है अमेरिका को कि इंडिया के पास सब कुछ है अवेलेबल, हमारे पास रिसोर्सेज है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और अभी सेमीकंडक्टर्स का भी अभी हाल ही में जो डिस्कशन हुई थी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ौदा में जाके किया था,
तो उसमें अभी हम काफी माहिरता लेने वाले हैं। तो ये सब देखते हुए उनको पता है अमेरिका को कि इंडिया एक प्रोडक्शन सेंटर बन सकता है, हर हम सारे टेक्निकल और मैन पावर और लेबर एडवांटेजेस है हमें। और दिलचस्प ये है श्वेता कि ये एक दिन पहले G20 समिट के पहले आज वो आ रहे हैं, जून में प्रधानमंत्री को जिस तरह का वहां पर स्टेट विजिट और जिस तरह का उनका आवभगत किया गया था, उसके बाद G20 के एक दिन पहले ये बायलैटरल हो रहा है, इससे अगर कुछ निकलता है तो पूरा वो टोन सेट कर देगा G20 के लिए। एकदम, क्योंकि वॉशिंगटन भी याद कीजिए, वहां पर कितनी सारी चीजों को बदलकर, कितनी सारी रवायतों को बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया था। जिस हिस्से में व्हाइट हाउस के नहीं होता था कभी कोई भोज, वहां पर प्रधानमंत्री को लेकर पहुंचे थे। दिन में कितनी कितनी बार वो मुलाकातें हो गई थी। तो वहां पर जो हुआ और आज जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उस मुलाकात में या फिर आज की मुलाकात में कोई ऐसा है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि दोनों नेता निकलेंगे तो भाई दस्तखत हो गए और ये देखिए दस्तावेज और ये डील फाइनल है। ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। और अगर इतने बेहतर रिश्ते दो ऐसे देशों, दो ऐसे लोकतांत्रिक देशों के बीच में रहते हैं तो वो एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर कल के सूचक न केवल इन दोनों देशों के लिए रहते हैं बल्कि समूचे विश्व के लिए भी रहते हैं। और प्रधानमंत्री जब ऐसे में ग्लोबल साउथ की अगुवाई करते हैं तो पूरी दुनिया भी देखती है इस चीज को कि जिसके पास आवाज नहीं है आप उसको आवाज दे रहे हैं। और अमेरिका समझता है, अमेरिका जो कि अभी तक एक ऐसे देश के तौर पर दुनिया के सामने, जैसे अंकल सैम, बिग ब्रदर, इस तरह की चीजें कि भाई हम देख रहे हैं और हम कर रहे हैं, पर वो एक ऐसा देश जो नियंत्रित करता था फिर सामने वाले देश को। और भारत एक ऐसे देश की तरह से उभर रहा है और उभरना चाहता भी है जो कि मदद का हाथ बढ़ाता है, वो बीच बचाओ या फिर अपनी टांग नहीं अड़ाता है बल्कि वो मदद का हाथ बढ़ाकर, हाथ पकड़कर उन देशों को चाहता है कि वो आगे बढ़े, चाहे वैक्सीन मैत्री रही हो या फिर आज अफ्रीकन यूनियन की ये बात हो। तो हम दो ऐसे शक्तिशाली देशों को देख रहे हैं। शायद बहुत सारे लोग इस आकलन से सहमति न रखें कि आप कैसे शक्तिशाली कह रहे हैं, तो विकासशील देश है, पर मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसे सूचक अब हो गए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो समय बीता है। अगर एस जयशंकर इन बातों का, इस सवाल का जवाब देते हुए, अंजना, जो कि बहुत ही दिलचस्प जवाब था जब उनसे पूछा गया कि ऐसा तो नहीं कि पूरी तरीके से अमरीका के ही स्वागत में आप उलझ कर रह जाएंगे, उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि दुनिया को कैसे मैनेज किया जाता है। ये जो आत्मविश्वास है, जो कूटनीतिक आत्मविश्वास है, वो आसान नहीं है होना, वो आसान नहीं आना। और केवल ये शब्दों का आत्मविश्वास नहीं है बल्कि ये जो चीजें बदली हैं, जो हालात बदले हैं, जो परिस्थितियां बदली हैं, ये उसका सूचक है। एस जयशंकर एक विदेश मंत्री के तौर पर बहुत ही सशक्त हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पूरे यूरोप को वो जवाब दे देते थे, अमेरिका कुछ बोलता है उसको जवाब दे देते हैं। और इसीलिए आज जब हम इन दो देशों को देखते हैं तो भारत हाथ जोड़कर अमेरिका के सामने नहीं खड़ा है, भारत बराबरी पर खड़ा है। बराबरी पर दोनों देश बात कर रहे हैं, चाहे सैन्य साझेदारी हो या फिर कूटनीतिक साझेदारी हो, हर लिहाज से। आज युद्धाभ्यास सबसे अधिक भारत और अमेरिका की सेनाएं ही, दोनों एक दूसरे के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं, दुनिया के कोई दो देश एक साथ उतनी संख्या में नहीं करते हैं। वो इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि उनको टाइम पास करना है कि भाई भारत की सेना के साथ हम थोड़ा सा अच्छा विजुअल अपॉर्चुनिटी हो जाता है, नहीं, वो हमारी उन चुनौतियों को देख रहे हैं जिनका सामना हम करते हैं, उस आतंक को देख रहे हैं और आतंक निरोधी किस तरह से वो एक्सरसाइजेस हो सकते हैं, वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस वो भारत और अमेरिका एक साथ कर रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग स्तर पर भारत और अमेरिका की ये कंधे से कंधा मिली हुई साझेदारी है जिसका एक और कदम आज बाइडेन मोदी मुलाकात के जरिए सामने आ रहा है। दिलचस्प बात क्या है कि उस विदेश मंत्री के इंटरव्यू में सुशांत सरीन साहब, उन्होंने कहा, जब उनसे ये प्रश्न किया गया चाइना और क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस अमेरिका को, उन्होंने कहा वी आर इंडिया। उन्होंने दो तीन बार ये कहा वी आर इंडिया। इंडिया अब अपने आप में एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, ये बताता है कि हम किस तरह से तमाम देशों के साथ अच्छे रिश्ते रख सकते हैं। कोई हमारी विदेश नीति को डोमिनेट नहीं कर सकता है, ना हमारे लिए तय कर सकता है। इन सब के बावजूद सबके लिए दोस्ती का ये दामन बढ़ाना, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देना ऐसे मंच से, G20 के साथ मुझे लगता है कि इंडिया स्टैंड्स टू गेन अ लॉट, भारत को बहुत कुछ हासिल करने के लिए है। सुशांत जी, नहीं बेशक है। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि क्योंकि हमने G20 का आयोजन किया है इस बार तो बस अब हमारे को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये जो भारत का जो 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 चढ़ाव है, भारत का उसका एक पड़ाव है।
मेरे ख्याल हमको ये जानना चाहिए कि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं था, ये उस सीढ़ी का एक पड़ाव हमने पार कर रहे हैं और उसको बड़ी अच्छी तरीके से पार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये, जहां तक हमारी विदेश नीति है, हम कई चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, हम अपने हितों को भी बैलेंस कर रहे हैं, हम अपनी दोस्तियों को भी बैलेंस कर रहे हैं, हम जो अपने उद्देश्य हैं और जिसको हरदम मैं हित के साथ नहीं जोड़ता, हम जिसमें विश्व की भलाई की बात करते हैं उसको भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब हम ये नहीं कर रहे कि हम किसी एक चीज को ज्यादा अहमियत देके किसी और चीज को इग्नोर करेंगे, क्योंकि एक जमाना ये था कि हम बाकियों के हितों की तो बात करते थे, अपने हित को हम पीछे रखते थे। हम अब ये नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि देखिए, अब हम एक ऐसे पड़ाव पर आ गए हैं कि हम बिल्कुल पश्चिमी देशों के साथ, दुनिया में और बहुत सारे देशों के साथ अपने रिश्ते परस्पर बढ़ाना चाह रहे हैं और ज्यादा उसमें घनिष्ठता लेकर के आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जो पुराने मित्र हैं जिनके साथ हमारे हित भी जुड़े हुए हैं उनको हम त्यागेंगे नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे नए मित्र बन रहे हैं या हमारी और लोगों के साथ बेहतर मित्रता हो रही है और हमारे बहुत सारे हित उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको भी कभी संरक्षण करेंगे लेकिन अपने पुराने मित्रों को भी साथ में लेकर चलेंगे और उसमें भी अपना हित पाएंगे। तो मेरे ख्याल एक ये एक जो बदलाव आया है भारत की विदेश नीति में, ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये कैसे हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको, देखिए मैं थोड़ा सा, मेरा मानना यह है कि क्योंकि 2 महीने पहले विस्तार में बात हो चुकी है भारत और अमेरिका के बीच में, मुझे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां अभी घोषित होंगी इस मुलाकात के बाद। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत अहम मीटिंग है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री जी की, और इस मीटिंग में कई चीजों पर हम और विचार विमर्श कर करके आगे बढ़ने की बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी जो डील्स की बात हो रही है वो जेट इंजन्स हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, वैसे मैं नहीं मानता कि कोई टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर होगी, अल्टीमेटली हम खुद ही बनाएंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहां पर आएगी लेकिन उसमें भी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो शायद नहीं आएगी। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, एक बार बता दें अपने दर्शकों को, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बच्ची जिसे आप बार बार देख रहे हैं जो बाइडेन के साथ मुलाकात करते हुए, तो जो यूएस एम्बेसडर टू इंडिया है एरिक गासेटी, उनकी बेटी माया है ये, और उन्हीं से राष्ट्रपति जो बाइडेन मिल रहे थे, उनकी तस्वीरें बार बार आई हैं। और अभी अभी खबर ये भी आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो जो कि प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, वो भी अब लैंड कर चुके हैं। बहुत सारी दिलचस्प मीटिंग्स है। एक बार चित्रा आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात द्विपक्षीय, मतलब आज जो वर्ल्ड हॉटस्पॉट्स है सब एक के बाद एक लैंड कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो भी लैंड कर चुके हैं ऐसी खबर आ रही है, और यूएस एम्बेसडर उनको वहां रिसीव करने गए थे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जस्टिन ट्रूडो आए हैं और देखिए राजीव चंद्रशेखर उनका स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद है। जस्टिन ट्रूडो को लेकर हाल में आपने देखा था क्योंकि कई जगहों पर वहां पर खालिस्तानी मूवमेंट जोर पकड़ता दिख रहा था, तो इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई थी, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक जो वहां पर मूर्ति बनाकर उसे ले जाया गया था एक मंच पर, उसको लेकर भी नाराजगी ऑफिशियली भारत की तरफ से दर्ज कराई गई थी। कनाडा के साथ रिश्तों को कैसे देखना है, संभालना है, खालिस्तानी मूवमेंट को क्या वहां पर बढ़ावा मिल रहा है, शय मिल रहा है, ऐसे गंभीर सवाल भी है। लेकिन इन सब के बीच राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री को आप देख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो का स्वागत करने के लिए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में उनको भी आप निकलते देखेंगे। लेकिन आज जिस बायलैटरल पर सबसे ज्यादा नजर है वो है, जैसे ही तस्वीरें आएंगी मैं वहां पर आऊंगी, लेकिन तब तक चित्रा मुझे लगता है कि अब वहां पर एक एक करके सबको अंदर ले जाया जा रहा होगा, लेकिन सबकी नजर राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की बायलैटरल पर। बिल्कुल सही कहा आपने, सभी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है, उन तस्वीरों का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, जो मुलाकात की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में, और मुलाकात शुरू भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का वेलकम किया है, अंदर से जो खबर निकलकर सामने आई, और उसके बाद एक एक करके अमेरिका से आए जो तमाम दूसरे मेहमान थे जो जो बाइडेन के साथ आए थे, उनको भी अंदर प्रवेश दे दिया गया है। सभी से बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए, मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल देखिए, दोनों देश एक दूसरे को
लेकर कैसे आगे बढ़े। G20 जो 20 सशक्त आर्थिक देशों का एक समूह है, इसके जरिए जो पीछे रह गए देश हैं उनको लेकर कैसे आगे की ओर बढ़ा जाए, इसको लेकर भी यहां पर बातचीत यकीनन की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए बार बार इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, थोड़ी तस्वीरें पीछे हम लेकर जाए, 2015 में हमने देखा था जब बराक ओबामा आते हैं तो उनको माई फ्रेंड कहकर संबोधित करते हुए एक अलग ही जेस्चर प्रधानमंत्री का दिखाई देता है। जब यहां पर आते हैं ट्रंप तो हम सबने देखा गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनका किस तरह से वेलकम किया गया और दोनों के बीच एक अलग तरह की केमिस्ट्री देखने को मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि जो विदेशी मेहमान है उनसे जिस तरह से मुखातिब होते हैं, मुलाकात करते हैं। जो बाइडेन की उस बात को भी याद रखना चाहिए, जब एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री आप जब अमेरिका आएंगे तो मैं आपका ऑटोग्राफ लूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके फैन है और व्हाइट हाउस के लिए जितनी भी टिकटें हैं वो बिक गई। हंसी मजाक में ये बातें उनकी ओर से कही गई थी, लेकिन उसके पीछे सच्चाई भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से लोकप्रियता है और इसके साथ ही अन्य दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो उनकी मुलाकात का कार्यक्रम होता है और जिस तरह से जिस गर्मजोशी के साथ वो मुलाकात करते हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और इसके पीछे है 140 करोड़ की वो ताकत हिंदुस्तानियों की जिसको एक बहुत बड़े व्यापार के तौर पर दुनिया भर की निगाहें हैं। देखिए आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर इतनी गर्मजोशी से यहां पर स्वागत स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं या फिर उन्होंने तमाम दूसरे अपने कार्यक्रम को इग्नोर करते हुए G20 को सर्वोपरि रखा, बीच में खबर आ रही थी कि कोरोना उनकी वाइफ को हुआ है, ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए आज वो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बेहद खास मेहमान हैं। और जितने भी G20 के हमारे जितने भी मेहमान इस वक्त पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं उन सब में अगर देखें तो 80 साल के जो बाइडेन सबसे ज्यादा सीनियर भी हैं। अमेरिका जैसे मुल्क के, ताकतवर मुल्क के वो राष्ट्रपति हैं, अगले साल वहां पर चुनाव है, कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर यकीनन चर्चा की जा रही होगी और उन तस्वीरों का हमें खासतौर से इंतजार है। व्हाइट हाउस की तस्वीरें हम सब ने देखी जब प्रधानमंत्री को लेकर अंदर की तरफ जाते हैं और उसके बाद सभी से मुखातिब होते हुए, और वहां पर भी पहली बार ऐसा होता है जब इंडिया से गई हुई मीडिया अलग अलग हिस्सों में व्हाइट हाउस के जाकर वहां से रिपोर्टिंग करती है, तो उम्मीद यही कि कम से कम प्रधानमंत्री आवास के भीतर से गर्मजोशी की वो तस्वीरें सामने आए जिसके आधार पर हम ये कह सके कि भारत और अमेरिका कितनी तेजी से मजबूत गति से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भारत अमेरिका के ये जो संबंध है वो आज नए नहीं बने हैं, 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था उस समय भी, देखिए अक्टूबर का महीना आने वाला है, 20 अक्टूबर हमें नहीं भूलना चाहिए जब चीन की ओर से आक्रमण किया गया था और उसके बाद अमेरिका की ओर से मदद की पेशकश भी हिंदुस्तान के लिए की गई थी। तब से लेकर आज तक हमेशा कोशिश यही रही है कि दोनों ही देशों के रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापार हो, व्यापार भी दोनों देशों के बीच अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाए। मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अंदर आपको बता दें गाड़ियों का काफिला यकीनन जरूर लगा हुआ है, लेकिन बेहद ही खूबसूरती से हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास किस तरह से सजा हुआ है। हम सब ने देखा कि दो राष्ट्राध्यक्षों के साथ जब उनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई और इस वक्त जो बाइडेन के साथ उनकी बैठक चल रही है, तस्वीरों का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहां पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत और अमेरिका के बीच जो बायलेटरल ट्रेड है वो $128 बिलियन को पार कर चुका है, यानी इस अंतराल में भारत और अमेरिका ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया था। इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें तो भारत का ट्रेड भी अमेरिका के साथ सरप्लस में है, यानी कि भारत अमेरिका को ज्यादा सामान बेचता है, वहां से कम सामान खरीदता है। 2021-22 में भारत का अमेरिका के साथ $32.8 अरब का ट्रेड सरप्लस था और भारत इसको बनाकर रखना चाहता है। ये तमाम हिस्से आप देख रहे हैं, आपको बताते चले लोक कल्याण मार्ग के ये तमाम हिस्से हैं, गाड़ियां यहां पर कतारों में लगी हुई हैं, बहुत पीछे तक भी, चूंकि जब हम यहां पर पहुंच रहे थे तो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं।